एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज से आज यहां दारुल सफा ए ब्लॉक में राष्ट्रीय उदय पार्टी की एक समीक्षा बैठक हुई है और हमारे साथ है राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी। मैं उनके पार्टी की नीतियों के बारे में जानना चाहूंगा। जी धन्यवाद। पार्टी की नीतियां तो हमारी अस्पष्ट है और पार्टी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे कि अभी चर्चा यहाँ पे निकली, पुराने जनेऊधारी नए जनेऊधारी, तो हम लोगों को पूर्वजों ने सिखाया था कि जब भी पंडित जी द्वार पे आते हैं कोई पूजा पाठ या शुभ कार्य के लिए, तो खुद दही खाओ या ना खाओ पंडित जी की सेवा में रखो। और जो पंडित जी का आदेश होता है 2 रुपया यहाँ 10 रुपया यहाँ रखो, वो सब चीज़ें तो ठीक, लेकिन फिर नए जनेऊधारी की जब बात हमारे उपाध्यक्ष माननीय के पाल साहब ने कहा, तो हमको याद आ गई बहुजन समाज पार्टी की भाईचारा कमेटी की, तो नए जनेऊधारी में आते हैं आपके समाज की लोकसभा स्तर पे विधानसभा स्तर पे कमेटियां होती थी, उसमें नए जनेऊधारी आते थे और पैसे इकट्ठा करके लेके चले जाते थे, तो यह हमको स्पष्ट हुआ। दूसरा रही बात समाजवादी पार्टी, माननीय यादव की पार्टी कही जाती है, यादव गडरिया भाई भाई का नारा लगाया, भाईचारा भाईचारा के रूप में हमारा जो भी चारा सामाजिक और राजनीतिक था खुद ही भाई साहब ने ले ली, हमको केवल चारा से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा। तब हम लोगों को ज़रूरत पड़ा कि हम लोग अगर खुद नहीं चेते, खुद अगर राजनीतिक संगठन नहीं बनाए, तो राजनीतिक भागीदारी मिलेगा नहीं। इस उद्देश्य से राजनीतिक पार्टी बनी है, चूँकि हम लोगों ने सभी को देखा है, हमारे उपाध्यक्ष जी के कथनानुसार पुराने जनेऊधारी के हालात भी वही रहे, नए जनेऊधारी के भी वही हालात रहे, और भाई साहब ने चारा ही बनाया, तो आज राजनीतिक पार्टी हम सब बना करके अपना संवैधानिक राजनीतिक भागीदारी लेने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, चूँकि जैसे मैं सम्मान करता हूँ, जब मानोवर कांसीराम की बहुजन समाज पार्टी थी तो हमारे समाज में उस पाला गड़रिया समाज में 12-12 विधायक हुआ करते थे, जो कि सच्ची बहुजन समाज पार्टी मानोवर कांसीराम की साहब की थी। उसके बाद की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी जहाँ चली गई, हालात ये है कि शोषित पीड़ित पिछड़े समाज की टोटल भागीदारी राजनीति से खत्म हो गई। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे आपके बीच से, अपने बीच से, SC ST OBC समाज से, जो बाहुबली जिनको पहले नारा दिया गया था तिलक तराजू और तलवार, तो आज जिनके हाथ में पावर है, तिलक है यानी ज्ञान है, पद प्रतिष्ठा है, तराजू यानी व्यापार है, तलवार यानी शक्ति, ये चीज़ें और भी समाज में आ चुकी है लोकतंत्र आने के बाद। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जाति से हमारा उल्लेख नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से उल्लेख है कि आप लोग, यही कहना चाहूँगा, तिलक तराजू और तलवार आप लोग करो, अच्छा व्यवहार। और आम जनता को मैं कहना चाहूँगा, दलित पीड़ित शोषित वंचित, इनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग करो अच्छा व्यवसाय, आप लोग बढ़िया व्यवसाय करेंगे, आपकी तरक्की होगी, प्रगति होगी, मुख्य धारा में आप आएंगे। और बाकी लोगों से जो मैंने कहा कि आपको अच्छा व्यवहार, अगर ये जो मजबूत लोग हैं यहाँ पे, हमारा फिर से कह रहा हूँ, किसी जाति से धर्म से नहीं उद्देश्य है, व्यक्ति से, जो व्यक्ति पावरफुल है, जो व्यक्ति विद्वान है, पढ़ा लिखा है, जो व्यक्ति धनवान है, ऐसे व्यक्ति समाज के गरीब पीड़ित और वंचित व्यक्तियों से अच्छा व्यवहार करें, और जो व्यक्ति पीड़ित है, गरीब है, शोषित है, ये अच्छा व्यवसाय करें, तो मेरा जैसा नारा है, सबका साथ सबका सम्मान वह पूर्ण होगा। जय हिंद, जय राष्ट्रीय उदय पार्टी। हमारे साथ है राष्ट्रीय उदय पार्टी के उपाध्यक्ष, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सबका सम्मान सबका विकास आप बात करते हैं, उसी तरह भाजपा भी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, दोनों में अंतर क्या है और आपकी क्या नीतियाँ होंगी?
सारी पार्टियां, देखिए भाजपा का जो एजेंडा है झूठ बोलने का, इससे बड़ा झूठी पार्टी शायद हिंदुस्तान में दूसरी नहीं होगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन ये सबका नहीं अपना विकास करना चाहती है, ये पार्टी वो है। तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय उदय पार्टी सबका साथ सबका सम्मान इसलिए देना चाहती है कि सम्मान है तो अपने आप में सम्मान मिलेगा और गरीबी अपने हाथों से मिटेगी। और जो भी हमारी पार्टी की तरफ से अगर कोई चाहता है कि जैसे बात हुई है सबका सम्मान, सबके सम्मान के बारे में, तो अपने आप में सम्मान है हर आदमी का। और किसी भी पार्टी, मजदूर, किसान की बात हम गांव में जा करके, और मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे दर्द पता है पूरी कि किसान के बारे में किसान कैसी मजबूरियां से जी रहा है। आज उसको खाली बीजेपी वालों ने ये देने का काम करते हैं जुमलाबाजी, और उनको कहते हैं नहीं कांग्रेस पार्टी 2 लाख रुपए माफ कर दिया, तो क्या किसानों की मुक्ति हो जाएगी उससे? कितने किसान इस गांव में, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अगर 501,000 की आबादी में है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 किसान कर्जदार होंगे, 3 किसान कर्जदार होंगे, 10 किसान कर्जदार होंगे, लेकिन 90 किसानों की क्या हालत है वो उनको नहीं दिखाई देता है, न समाजवादी बीजेपी वालों का और न कांग्रेस वालों का। खाली ये देखा, एक जुमला फेंकना है, अब की सरकार हमारी आनी है कि ये जुमला फेंक दे, किसानों के साथ किसानों की समस्या खाली बात करते हैं लेकिन किसानों मजदूरों की इनकी क्या हालत है, इनकी जमीन पे नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े राजघराने से पैदा हुए, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं, ठीक, और उसी की तरीके खाली जुमला फेंकना। लेकिन हमारी पार्टी इन किसान मजदूरों की जो बात करेगी वो पूरा काम करेगा, जितना वादा करेगी उतना काम करके देगी, क्योंकि हम किसान के बेटा हैं, गांव से आए हैं, और कोई यहाँ शहर से नहीं, जमीन से हम लोग आए हैं, और ना धनवान हैं, हम लोग गरीब हैं। चलिए उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद।